कांग्रेस पार्टी से श्रीनिवासन जी। श्रीनिवासन जी, सबसे पहले आप किस तरह से जिस तरह से भाजपा की बात करते हैं कि जिस तरह से लहर और सुनामी चल रही है उसमें फिर कांग्रेस को किस तरह से आप जगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इन्होंने पहले डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। कर्नाटक से विधायक लेके लेके मुंबई में एक एक विधायक को कम से कम 50-60 करोड़ का बात कर रहा है। उन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, जब पार्लियामेंट में जा रहा था नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन प्रणाम करके अंदर, इधर आके इन्होंने ये 6th time हो रहा है। 5 बार अभी लास्ट दिल्ली में हुआ, फेल हुआ इन लोग का ऑपरेशन। उसके पहले बैंगलोर और कर्नाटक में मैसूर में और एक बार तमिलनाडु में, तमाम जगह इन लोग ने ये ऑपरेशन किया, सक्सेस नहीं हो पाया। हाँ, ये 6th time मुंबई लेके आया है। सबसे ज़्यादा पैसा विधायकों को घर पे ऑलरेडी 10-10 करोड़ एडवांस भी देते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसको अभी संसद चल रहा है, इसके अंदर चर्चा हो रहा है और नरेंद्र मोदी अमित शाह इसके बारे में आके बाहर आके बोल रहे हैं। लेकिन जब तक इन लोग ने ये काम नहीं करेगा, कोई स्टेट में दूसरा पार्टी का सरकार आने से इन लोग को ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जो मणिपुर में देखा था, गोवा में देखा था, उनका बहुमत नहीं था, फिर भी वहाँ सरकार बनाने में जो पैसा लेके जाके सबको दे के खरीदना, हॉर्स राइडिंग करना, यही इन लोग का काम है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ने का काम आज भी होटल के बाहर इतना विधायक को मिलने को कहाँ छोड़ रहे हैं? महाराष्ट्र का 2 मिनिस्टर वहाँ हैं, 2 MLA को लगा है, जो प्रशासन उनके कहने पे जो काम कर रहे हैं, पुलिस आके सबको मार दिया लड़का लोग को, तो अंदर जाने को नहीं दे रहा है ना, हमारा विधायक से मिलने को भी नहीं चढ़ रहे। तो आप लोग वो ऐसे ही आ गया तो फिर मिलने को दिक्कत क्यों कर रहे हैं? BJP का MLA मंत्री अंदर हो सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते? तो अभी कर्नाटक में हुआ है ऐसा और कहीं ना हो, इसके लिए कांग्रेस किस तरह से तैयार होगी, अपने विधायकों किस तरह से वो सेफ रख पाएगी? विधायक को 2 मिनट इधर उधर पलट के भी देखने को नहीं दे रहा है इन लोग ने। उन लोग को किडनैप, 2 लोग को तो किडनैप करके लेके आए इधर, सबसे ज़्यादा उसको हमेशा दिखा के वो लोग का, फिर भी वो लोग ने क्या किया, 2 लोग तो आने वाले थे, फिर मना कर दिया, नहीं हम कांग्रेस में रहेंगे। उनके घर पे जाके, उनके रिश्तेदार को जाके एडवांस देना, पैसा, ये सारे चीज़ इनको डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक लड़ने का काम। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जितने लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, वो भी उसी राह पे चल रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राजनाथ सिंह जी कौन होते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते हैं? गांधी फैमिली से ये पूरा भाजपा RSS लोग जलता है। सबसे ज़्यादा इस देश में लड़ाई करने वाला हर चीज़ में, किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो और गरीब का मुद्दा हो, सबसे आज तक लगातार लड़ाई। किसी स्टेट में जाके महिला के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ आवाज़ राहुल गांधी उठाता है, इन लोग को दिक्कत हो जाता है। किसी नौजवान ने नौकरी नहीं मिल रहा है, आत्महत्या करता है, टैंक के सामने कूद के आत्महत्या हुआ अलवर में, उसके लिए लड़ाई आवाज़ उठाता है। इसीलिए राहुल गांधी जी इन लोगों के लिए दिक्कत है। वहाँ किसानों आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी दिक्कत है। इन लोगों को गांधी फैमिली से ही दिक्कत है, RSS वाले इन लोगों को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो सबसे ज़्यादा इन लोग के खिलाफ लड़ रहा है राहुल गांधी जी लड़ रहा है। राहुल गांधी को अटैक करें तो उनको कैसे ही दबाने का काम है, क्यों तो इनके सामने कोई ना हो जाए लड़ने के लिए आने वाले। और राहुल गांधी जी भी इसके लिए थकेगा नहीं है, और ज़्यादा का काम करेगा इस ऊँगे मेरे निकाम में सरकार को उखाड़ कर। तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कांग्रेस भी अपनी शक्ति दिखा पाएगी? 100% महाराष्ट्र में देखते रहना, सरकार आएगा। अभी कर्नाटक में लोकल बॉडी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के 6 दिन के अंदर राजस्थान में चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस को मिली, कई दूर तक BJP नहीं है। 100% हम लोग को उम्मीद है, कार्यकर्ता भी सब लोग उत्साहित है, सब लोग ने बूथ लेवल में काम कर रहे हैं, इस बार दोबारा कांग्रेस लाइक महाराष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, तो यहाँ कांग्रेस आना चाहिए। श्रीनिवासन जी, भाजपा पार्टी हमेशा बात करती है कि वो गरीबों के लिए काम करती है, अच्छे दिन लाने की काम करती है। उन्होंने जो बजट पेश किया है, उनका जो पहला बजट है सरकार बनने के बाद, आपने उस बजट को देखा, आपको क्या लगता है ये जनता के हित में है? लास्ट 5 साल में क्या क्या बजट दिया आपने देखा है? 2 करोड़ का नौकरी बोला था साल में, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी आज तक मिला नहीं है। अच्छे
अच्छे दिन का बात हुआ था, अच्छे दिन उनका मंत्री लोग को आया है, अच्छे दिन और किसी का मंत्री को अच्छे, किसी नौजवान को, किसी आम आदमी को, गरीब को, किसी को अच्छे दिन आया नहीं है। आप देख सकते हैं अमित शाह का बेटा अजय शाह, उनका कंपनी में 50,000 लगा के 80 करोड़ कमा सकते हैं, वो फार्मूला पूरा देश में दे दे, क्यों नहीं दे रहा है? तो इतने महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनका मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी हो, कहीं जाके एक बार उनके बारे में पूछा ना, उसके घर पे जाके उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके बारे में सुना? छत्तीसगढ़ में 32,000 महिला गायब था, तभी इन लोग का पास कोई एक महिला ने इनका मंत्रिमंडल का एक बार बयान नहीं दिया। अभी हरियाणा में इनका सरकार है, 4.5 साल में 20,000 रेप हुआ है, उसमें 1100 गैंग रेप हुआ है, वहाँ बीजेपी का सरकार है, क्या कर रहे हैं इन लोग? शर्म आना इन लोग, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, इनका जो भी मंत्री मंडल, निर्मला सीतारमण। ऐसे केस में, रेप केस में या जो ऐसी शर्मनाक हरकतें होती है, क्या लगता है इसमें किसी पार्टी को गलत ठहराना सही होता है? नहीं, पहले कभी इतना हुआ नहीं है, क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा आप देखो बीजेपी का खुद उसका नेता, उनका कार्यकर्ता, उनका MLA, MP खुद है, उन्नाव में कौन है बीजेपी का MLA है, बिहार में कौन है, मध्य प्रदेश में कौन है, हिमाचल में कौन है, सब वहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता, उनका नेता लगे इसका। इन लोग को वो नारा भी दिया था इन लोग ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा बदलना है इन लोग को, बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी के लीडर से बचाओ, नारा बदलना है। एक आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह से लखनऊ एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही बस गिर चुकी है जिसमें 29 लोगों की जान गई, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुखी खबर है जो भी हुआ है, सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी जो बहुत हुआ है उन परिवार के इमीडिएट आइडेंटिफाई करके उनके साथ खड़े होने का काम करना है। अभी इस सरकार ने आम आदमी के लिए कभी खड़ा नहीं है, जय श्री राम बोलने से किसी का पेट नहीं भरेगा, इन लोग को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना लगातार हो रहा है, क्या लेके जा रहे हैं? राम राज का बात किया था इन लोग ने, रावण राज करके बैठे हैं पूरा देश में, इन लोग को समझना है, लोग समझ चुका है, अब मौका दे दिया था और आने वाले दिन में लोग इनको भगाने का काम करेंगे। आपने जिस तरह से देखा कि श्रीनिवासन जी ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, उन्होंने ये भी बताया कि उनके MLA को पैसे देकर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, बस आप हमारे साथ वही बने रहिए, फिर हम एक बार मिलेंगे श्रीनिवासन जी से और भी बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। सहयोगी विजय के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।